हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है टैबलेट प्रैक्स 10 mg और जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है प्रासुग्रेल। दोस्तों प्रासुग्रेल एक ब्लड थिनर है, एक एंटी प्लेटलेट दवा है, यानी कि एक आम भाषा में समझाएं तो खून को पतला रखने वाली दवा है। खून के अंदर खून के थक्के नहीं बनने देती, ब्लड क्लॉट्स नहीं बनने देती, वो इम्पॉर्टेंट दवा है। ये मेडिसिन किन किन, इसके क्या क्या यूजेज हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस, टैबलेट प्रैक्स यानी प्रासुग्रेल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन इन ब्लड वेसल्स, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कोई कार्डियक सर्जरी हाल फिलहाल में हुई है, जैसे कि कार्डियक स्टेंटिंग हुई है, यानी कि जो एंजियोप्लास्टी में की जाती है। इन लोगों में वापस से हार्ट में ब्लड जो वेसल्स हैं उसके अंदर क्लॉट्स नहीं बने, इसलिए टैबलेट प्रैक्स दी जाती है टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनदर हार्ट अटैक स्ट्रोक, यानी कि जिन लोगों को पहले से लकवा आ चुका है या जिनको पहले हार्ट अटैक आ चुका है उन लोगों को वापस ये मुश्किलात पैदा ना हो, इसलिए भी ये टैबलेट उनको दी जाती है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है जिन लोगों के हार्ट के अंदर जो वेसल्स है, कोरोनरी आर्टरी वेसल्स बोलते हैं, या जिन लोगों को हार्ट संबंधी दर्द पैदा होता है जिसको हम हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं एंजाइना, जिसके अंदर हार्ट के अंदर जो खून की नसें उनके अंदर कोई ना कोई ब्लॉकेज होता है। दोस्तों जैसे जब ज़्यादा ब्लॉकेज होता है, मानो कि 80%, 90%, 70%, तब तो स्टेंट डालना पड़ता है, कोई ना कोई ऑपरेशन करना पड़ता है जिससे उसका जो ब्लॉकेज है वो खुल जावे। मगर अगर जब हम डॉक्टर्स देखते हैं कि ब्लॉकेज कम है, 20% है, 30% है, तो उस समय सर्जरी का रास्ता न अपनाते हुए मेडिकली उसको पेशेंट को ठीक करने की कोशिश की जाती है, तब ये टैबलेट प्रैक्स दी जाती है ताकि हार्ट संबंधी जो एंजाइना चेस्ट पेन हो उसको ठीक किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है DVT यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो हमारे शरीर के अंदर जो डीप वेन्स है खासकर पैरों के, उनके अंदर कई बार वेन्स के अंदर खून के थक्के ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं और दिक्कतें पैदा होती है, उसमें भी इसका यूज़ होता है। और एक इम्पॉर्टेंट और यूज़ है इसका, वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि जब फेफड़ों में यानी हमारे लंग्स के अंदर कई बार ब्लड क्लॉट बन जाता है, और ये दिक्कतों में टैबलेट प्रैक्स यानी प्रासुग्रेल का इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल होता है। दोस्तों इसके जो इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सबसे जो इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है वो है ब्लीडिंग, यानी कि शरीर में कहाँ से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया ये खून को पतला करती है, प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देती। प्लेटलेट्स जिसका क्या काम होता है कि ब्लड जिधर भी हमारे शरीर में ब्लीडिंग हो, घाव हो, उधर जाकर ब्लीडिंग रोकना, तो ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है, यानी कि खून को पतला रखने में मदद करती है। तो कई बार इसके साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है शरीर से, जैसे कि आपके टट्टी से शुरू हो जाती है, स्टूल से शुरू हो जाती है, ब्लैक स्टूल आएंगे, काले स्टूल्स आते हैं, यूरिन से आ सकता है, आपकी यूरिन रेड हो, ब्लड हो सकता है आपके नाक के द्वारा आए, नाक से ब्लड आ सकता है, हो सकता है आपके स्किन के नीचे ब्रूजिंग हो जाए, खून के नीचे ब्लीडिंग दिखे, लाल लाल स्किन के अंदर चकते से बन जाते हैं। अगर आप स्त्री हैं तो हो सकता है आपको हैवी मेंसेस आए, आपके जो महावारी हो ज़्यादा हो, कई दिनों तक हो, और अगर आपको कोई कट या इंजुरी हो जाए तो हो सकता है वो जल्दी नहीं भरे, काफ़ी समय लग जाए उसको घाव को ठीक होने में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। नॉर्मली ये माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, माइनर इंसिडेंट्स एपिसोड्स हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, पर कई बार अगर ये ब्लीडिंग रुके नहीं, बार बार होती रहे, तो डॉक्टर से संपर्क ज़रूर कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, ताकि हो सकता है इसका डोज कम करना पड़े या दूसरी दवा देनी पड़े आपको। इन इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखेंगे आप। किन किन चीज़ों में ये दवा या तो अवॉइड की जाती है या बहुत ही सावधानी पूर्वक दी जाती है वो हम आपको अभी बताते हैं। टैबलेट वारफेरिन के साथ में इस दवा को नहीं दी जाती, क्योंकि वारफेरिन पहले से खून पतला करने वाली दवा है, हेपेरिन का रूप है, इसलिए टैबलेट वारफेरिन के साथ में नहीं दी जाती। जिन लोगों का वेट 60 kg से कम है, 60 किलो से जिन लोगों का वजन कम है, उसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक दी जाती है। और उसी तरह जिन लोगों की आयु एज 75 ईयर से ऊपर है, उनके अंदर भी इसका रिकमेंडेशन कम ही है, क्योंकि ब्लीडिंग का खतरा होता है बूढ़े लोगों में, इसलिए बूढ़े लोगों में 75 ईयर्स एज के ऊपर के लोगों को इस दवा का उपयोग नहीं किया जाता आमतौर पर, इस बात का ध्यान रखेंगे। जिन लोगों को एक माइनर स्ट्रोक आता है, आ चुका है, जैसे हम उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक,
जिसके अंदर ब्रेन के अंदर जो भी खून की नसें सप्लाई करती हैं उनके अंदर माइनर सी रुकावट हो जाती है, उसको TIA बोलते हैं मेडिकल भाषा में, इसको आप डॉक्टर्स बोलेंगे माइनर स्ट्रोक। इन लोगों को में बहुत ही सावधानी से इस दवा का उपयोग किया जाता है। जिन लोगों में पेट में अल्सर है, घाव है, जिसको हम पेप्टिक अल्सर या पेट के अंदर स्टमक अल्सर बोलते हैं, उन लोगों में भी ये दवा नहीं दी जाती, या अगर देते हैं तो मालूम पड़ता है अगर अल्सर है तो रोक दी जाती है। जिन लोगों को ब्रेन हिमरेज है, ब्रेन के अंदर एक्टिव ब्लीडिंग हो चुकी है या हो रही है, उन लोगों पर यह दवाई नहीं दी जाती। जिन लोगों की कोई सर्जरी होनी है, खासकर कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, जिन लोगों की बाईपास सर्जरी होनी है या और कोई भी बड़ी सर्जरी होनी है या शेड्यूल है, उन लोगों को भी ये दवा नहीं दी जाती, क्योंकि उस सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग होने का खतरा होता है, इसलिए सर्जरी काफ़ी दिनों पहले, कुछ दिनों पहले तक ये दवा बंद की जाती है। इन बातों का ध्यान रखेंगे। या जिन लोगों को कोई डेंटल प्रोसीजर के अंदर जाना है, कोई टूथ एक्सट्रैक्शन करना है, टूथ के अंदर कोई कार्रवाई करनी है, दांत की कोई निकालना है जहां ब्लीडिंग होने का खतरा आता है, उन लोगों को भी ये दवा नहीं दी जाती या उस समय कुछ समय के लिए रोक दी जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये दवा लेनी कैसे, हाउ टू टेक दिस मेडिसिन। नॉर्मली ये दवा दिन में एक बार आफ्टर फूड लेनी होती है। कोशिश कीजिए कि इसको सेम टाइम पर लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस टैबलेट को स्प्लिट नहीं करना, डो नॉट चू क्रश, मुंह में लेके तोड़ना नहीं, इसको निगल लेना काफ़ी पानी, एक ग्लास पानी के साथ में। और एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखेंगे, नॉर्मली डॉक्टर्स इस दवा के साथ में आपको लो डोज एस्पिरिन लेने की एडवाइस करते हैं। तो यह डॉक्टर्स नॉर्मली डायरेक्ट करते हैं आपको कि एक लो डोज एस्पिरिन इस दवा के साथ में चलता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो हमेशा आमतौर पर पूछी जाती है, क्या ये अल्कोहल के साथ सेफ है। नॉर्मली अल्कोहल के साथ सेफ है ये दवा, पर फिर भी हम अवॉइड आपको एडवाइस करते हैं कि अल्कोहल के साथ दवाई लेने की, अगर आप नहीं लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, बाकी नॉर्मली सेफ है। ड्राइविंग करते समय सेफ है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग है, प्रेग्नेंट है, तो भी ये दवा को सेफ बताया गया है। अगर आपको किडनी संबंधी बीमारी है या लीवर संबंधी बीमारी तो डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा, इस्तेमाल कर सकते हैं, बस थोड़ा कॉशन के साथ, सावधानी के साथ। दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि एक ब्लड थिनिंग एजेंट है, ब्लड थिनिंग दवा है, और क्लोपिडोग्रेल, जो क्लोपिडोग्रेल दवा है होती है उसका एक एडवांस रूप है। तो कई लोग पूछते हैं कि जो पहले इस्तेमाल में आती थी क्लोपिडोग्रेल और अब ये नहीं आई है प्रासुग्रेल, इसमें क्या अंतर है। दोस्तों ये जो आप मान सकते हैं, हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो प्रासुग्रेल क्लोपिडोग्रेल दवा से काफ़ी पोटेंट है। ये जो नई एंटी प्लेटलेट दवा है कम से कम 10 गुना ज़्यादा उससे बेहतर काम करती है। एंटी प्लेटलेट एक्शन है, ब्लड थिनिंग एक्शन है प्रासुग्रेल इस दवा का, इस स्टडीज़ में देखा गया है, इसलिए डॉक्टर्स आजकल प्रासुग्रेल काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आज हमने आपको टैबलेट प्रासुग्रेल ब्रांड नेम प्रेक्स 10 mg के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके उपयोगी होगा, इसको आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको और लाकर दे सकें। आपके जो भी सुझाव हैं, कमेंट्स हैं, मोस्ट वेलकम है, उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।